स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ वो अपनी कैपिटल को भी चेंज करते हैं। जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वैल्यू पहले से कम हुई है वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, और जो पार्टनर जिसको गेन हुआ है यानी पहले से रेशियो बढ़ा है वो और कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, पी क्यू आर एस पार्टनर हैं, पी क्यू आर एस पार्टनर हैं और उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4:3 का था। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग उनकी जो असेट्स थी वो ये दे रखी हैं आपको, लाइबिलिटीज़ पी क्यू आर एस की जो कैपिटल थी 2 लाख 3 लाख 4 लाख और 5 लाख रुपीज़ की थी, और टोटल 14 लाख। क्रेडिटर्स की 2 लाख 30,000 रुपीज़ की थी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख 70,000 रुपीज़ का था, टोटल था 18 लाख। और असेट साइड में भी आपको दो ही आइटम दे रखे हैं, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स 12,70,000 रुपीज़ की और करंट असेट्स 5,30,000 रुपीज़ की, टोटल इसका भी 18 लाख है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके इक्वल करना चाहते हैं, जिस पर्पज़ से गुडविल दे रखी है 2,70,000, क्योंकि चार पार्टनर हैं और चारों का इक्वल रेशियो मतलब 1:1:1:1 हो जाएगा। और नीचे आपको दे रखा है कि क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अब 2 लाख रुपीज़ है, पहले जो ये 1,70,000 रुपीज़ था, यानी हमारे पास रिज़र्व केवल 1,70,000 रुपीज़ है और 2 लाख रुपीज़ हमको अब पे करना है, यानी 30,000 रुपीज़ का हमारा एक्सपेंस या लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए लॉस हुआ। आगे कह रहा है, ये लाइन पढ़िएगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एडजस्ट होनी है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, वो भी कैश के अकॉर्डिंग। यानी पार्टनर्स को अपनी कैपिटल जो है अब नए रेशियो अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, और वो भी कैश के साथ, यानी जिसकी कम होगी वो और लाएगा, जिसकी ज़्यादा है वो विड्रॉ कर लेगा। और इस पर्पज़ के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो हमारा पहले 1,70,000 रुपीज़ था और ये बढ़कर हो गया हमारा 2 लाख रुपीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 30,000 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। उस लॉस को हमने यहाँ पे दिखा दिया, 30,000 रुपीज़ के लॉस को 2 लाख से ये 1,70,000 हो रहा है, क्योंकि कोई और असेट्स लाइबिलिटी में चेंजेस आई नहीं है, तो यही हमारा लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 1:4:2:3 में, इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा अमाउंट आएगा, पी का 3,000, 12,000 क्यू का, आर का 6,000 और एस का 9,000 रुपीज़। अब देखिए, पी क्यू आर एस की पुराना रेशियो था 1:4:2:3 और नया रेशियो 1:1:1 हो गया, यानी इक्वल हो गया। अब हमें गेन ऑफ सेक्रीफाइस निकालना है। गेन ऑफ सेक्रीफाइस के लिए आप पी का देखिए, पी को पहले 1/10 मिल रहा था, अब नई के अकॉर्डिंग 1/4 मिलेगा, यानी इसको 3/20 का गेन होगा। अब क्यू को पहले 4/10 मिल रहा था, अब 1/4 मिलेगा, तो इसको 3/20 का सेक्रीफाइस होगा। सेम आर को पहले मिल रहा था 2/10, अब 1/4 मिलेगा, तो इसको -1/20, माइनस की फिगर है यानी गेन हो रहा है। और एस का भी सेम है, पहले 3/10 मिल रहा था, अब 1/4 मिलेगा, तो ये पॉजिटिव 1/20 यानी सेक्रीफाइस हो रहा है। गुडविल फर्म की हमको दे रखी है 2,70,000। अब इसमें हम निकालेंगे जिसका जितना गेन हुआ था, तो पी का गेन हुआ था 2,70,000 का 3/20, तो इसका गेन का अमाउंट आ गया 40,500 रुपीज़। क्यू का सेक्रीफाइस दे रखा है यहाँ पर, वो भी 3/20 है, तो वो भी 40,500 रुपीज़ आएगा। आर का गेन हुआ था 1/20, तो इसका 1/20 निकालेंगे, 13,500 रुपीज़ होगा। और सेम एस का जो है वो सेक्रीफाइस 1/20 निकल कर आया है, तो वो 1/20 13,500। गुडविल की जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो एंट्री पास करेंगे, पी कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट और टू क्यू कैपिटल, टू एस कैपिटल। पी का जो गेन था 40,500, आर का जो गेन था 13,500, क्यू का सेक्रीफाइस 40,500 और एस का सेक्रीफाइस 13,500। अब जो कॉन्ट्रा एंट्री होती थी यहाँ पे, उसी की पोस्टिंग करनी है मैं आपको चल के। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, बाय में लिखेंगे पी और आर, यानी बाय पी और आर, लेकिन अमाउंट डालेंगे आप क्यू के कॉलम में और आर के कॉलम में। सेम एज इट इज़, जब आप टू में एंट्री करेंगे तो टू में क्यू और एस लिखना है, पर आपको अमाउंट डालना है पी और आर के कॉलम में। तो ये है।
अब आपको अगली स्लाइड देखते हैं, अगला जो सॉल्यूशन है कैसे करना है हमको। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें कि हम पार्टनर कैपिटल कैसे बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल के लिए आपको जब बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे पुरानी कैपिटल दे ही रखी है। पुरानी जो कैपिटल है वो यहाँ पे आती है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और ये यहाँ पे मेंशन कर रखी है मैंने। पी के कॉलम में 2 लाख रुपीज़, क्यू के कॉलम में 3 लाख रुपीज़, आर के कॉलम में 4 लाख रुपीज़ और एस के कॉलम में 5 लाख रुपीज़। इसके अलावा रिवेल्यूशन से हमें लॉस हुआ था और वो लॉस भी हम 2 में डालेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आपको फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट होता है रिवेल्यूशन से तो बाय रिवेल्यूशन, अगर लॉस होता है तो 2 रिवेल्यूशन। तो जितना जितना शेयर आया था, 3,000 रुपीज़ पी का शेयर, क्यू का 12,000, आर का 6,000 और एस का 9,000 रुपीज़। अब देखिए प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस वाली, तो उसमें लिखाई थी मैंने आपको पी कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट टू क्यू कैपिटल टू एस कैपिटल। तो 2Q और 2S के नाम से यहाँ पे एंट्री हो रही है गुडविल की, लेकिन अमाउंट डालेंगे हम पी और आर के कॉलम में। पी के कॉलम में जो अमाउंट था 40,500 और आर के कॉलम में 13,500। बाय में देखिए बाय पी एंड आर के नाम से एंट्री हो रही है, पर अमाउंट डला हुआ है क्यू और एस के कॉलम में 40,500 और एस के कॉलम में 13,500। अब देखिए हम बैलेंस निकालेंगे, टोटल इसका हो रहा है 2 लाख रुपीज़ पी का, क्यू का 3,40,500, आर का 4 लाख रुपीज़ और एस का 5,13,500। यही टोटल हमने डेबिट साइड में लिख दिया और माइनस किया, पी के में से माइनस किया 3,000 और 40,500, तो बैलेंस आ गया 1,56,500 रुपीज़। सेम एज इट इज़ हमने 3,40,000 में 12,000 माइनस किया तो बैलेंस इसका आ गया क्यू का 3,28,500 रुपीज़। सेम एज इट इज़ हमने 4 लाख के टोटल में से 6 और 13,500 माइनस किए तो बैलेंस इसका बच गया आर का 3,80,500 रुपीज़। और लास्ट हमने एस के 5,13,000 रुपीज़ में से हमने 9,000 माइनस किए तो बैलेंस बच गया 5,04,500 रुपीज़। अब देखिए हमको कैपिटल को एडजस्ट करने की भी क्वेश्चन कह रहा है, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट करने की नहीं कहता तो यहीं पे आके ही हमारा पार्टनर कैपिटल कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्योंकि कैपिटल को एडजस्ट भी करना है इसलिए हम इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, और जो बैलेंस निकल कर आया है ये वाला, इस बैलेंस को हम आगे बढ़ा के बाय बैलेंस बीडी के नाम से दोबारा से पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 1,56,500 पी का, 3,28,500 रुपीज़ क्यू का, आर का 3,80,500 और एस का 5,04,500 रुपीज़। अब कैपिटल एडजस्ट कैसे होगी, ये जो बैलेंस निकल कर आया है हमारा, इस बैलेंस को हम ऐड कर लेंगे नीचे। जैसे मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखाया है, 1,56,500 प्लस 3,28,500 प्लस 3,80,500 प्लस 5,04,500, टोटल हो गया 13,70,000। इस 13,70,000 को हमें नए रेशो में एडजस्ट करना है, मतलब 1:1:1, तो चारों का रेशो आ जाएगा 3,42,500। और इस अमाउंट को हमने क्या किया, टू बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ लिख दिया, टू बैलेंस सीडी 3,42,000 पी क्यू आर एस चारों के कॉलम में। और अब बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस देखिए पी का तो ज़्यादा है हमारा डेबिट साइड का 3,42,500, ये हमने यहाँ लिखा, और उसमें से जो पुराना वाला बैलेंस था 1,56,500 ये माइनस किया तो बैलेंस निकल कर आ गया 1,86,000। सेम एज इट इज़ जो 3,42,000 टोटल क्यू का भी डेबिट का ज़्यादा है वो हमने यहाँ लिखा, और उसमें से पुराना बैलेंस 3,28,500 माइनस किया तो बैलेंस बच गया 14,000। लेकिन जो आर है उसका टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है वो हमने डेबिट में लिखा, उसमें से 1,342,500 माइनस किया तो इसका बैलेंस बचा 38,000। सेम एज इट इज़ एस का टोटल हमारा यहाँ का ज़्यादा है 5,04,500, ये हमने यहाँ लिखा, और उसमें से पुराना बैलेंस 3,42,500 माइनस किया तो इसका बैलेंस बच गया 1,62,000। आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ेंगे लास्ट वाली लाइन, तो जो कैपिटल एडजस्ट करनी है वो हमें कैश से करनी है,
तो जो बैलेंस आया है वो कैश के नाम से दिखाया है, आर एस का बैलेंस टू में आ रहा है तो उसे हमने टू कैश के नाम से लिखा, पी और क्यू का बैलेंस बाय में आ रहा है तो वो हमने बाय कैश के नाम से लिखा, ठीक है। अब जब कैपिटल एडजस्ट होती है तो हमें एक अकाउंट और बनाना होता है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो बैलेंस इन निकल कर आया है इस बैलेंस की क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, यानी जो बैलेंस टू में आया है वो कैश अकाउंट के बाय में जाता है और जो बैलेंस बाय में आया है वो कैश अकाउंट के डेबिट में जाता है, टू में जाता है, यानी अपोजिट पोस्टिंग होगी इसकी। तो देखिए जो ये दोनों बैलेंस थे मैंने यहाँ लिखे हैं, बाय आर कैपिटल बाय एस कैपिटल 38,000 और 1,62,500 आर और एस के नाम से, और जो पी और क्यू का बैलेंस बाय में आया था वो मैंने यहाँ लिखा है, टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल 186 और 14,000। हालांकि ये जो है दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, देखिए डेबिट साइड का भी 2 लाख है और क्रेडिट साइड का भी 2 लाख रुपीज़ है, उससे क्या होगा कि बैलेंस नहीं निकलेगा। अगर बैलेंस आता तो वो हम यहाँ लिखते बाय बैलेंस सीडी के नाम से और बैलेंस शीट में फिर वो बैलेंस शो कराया जाता, लेकिन अब हमें कोई नहीं करना है। अब देखिए नई बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट में कैपिटल वो लिखी जाएगी जो यहाँ पे डिवाइड करके आई थी, नई रेशियो में कितनी आई थी, चारों की 3,42,500 रुपीज़। तो देखिए बैलेंस शीट में मैंने यही अमाउंट लिखा है, 3,42,500 चारों के कॉलम में। क्रेडिटर्स पुरानी बैलेंस शीट में 2,30,000 रुपीज़ के दे रखे हैं, वो भी मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखे क्योंकि कोई चेंजेस हुए नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वहाँ 170 दे रखा था पर आपने रिवॉल्यूशन में 30,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़ हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट में दे भी रखा है। असेट साइड में 2 ही असेट्स हैं और असेट्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो वो एज इट इज़ बनी रहेगी, 12,70,000 की फिक्स असेट्स और जो हमारी करंट असेट्स है 5,30,000। टोटल जो है दोनों साइड का 18 लाख रुपीज़ आएगा।